लेडीज इंड जेंटम नाउ इट इज हाई टाइम टू मैर हाउ इनोवेशन ग्रोथ इनोवेशन से ग्रोथ कैसे आएगी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिलियन डॉलर क्वेश्चन इनोवेशन ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट क्या ग्रोथ के लिए इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट इज इट वाइस वर्सा क्या खाली इनोवेशन ग्रोथ ला सकता ग्रोथ इनोवेशन ला सक नहीं ग्रोथ का सब्जेक्ट समझिए एक प्रोडक्ट पैदा फिर ग्रोथ की जानब जाती है और फिर मेच्योर होती है मेचोरिटी की तरफ आती है और इसी तरीके से वो डिक्लाइन की सूरत अख्तियार कहा जाता है कि प्रोडक्ट जब तक ग्रोथ में रहेगा उसके अंदर इनोवेशन रहेगी और उसके अंदर हर दिन कोई ना कोई तब्दीली आएगी जैसे जैसे उसके अंदर चेंज फिना क्रिएट होता जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो अपनी लाइफ लाइन के हिसाब से दिन ब दिन तरक्की करती जाएगी अपनी शेप भी तब्दील करेगी अपनी आइडियाज़ भी तब्दील करेगी आ, लोगों के लिए जहाँ वो यूटिलिटी है उसके लिए वो यूटिलिटी के साथ एंटरटेनमेंट भी बनेगी जब वो यूटिलिटी के साथ एंटरटेनमेंट भी बनेगी और मुख्तलिफ आइडियाज़ को वो क्रिएट करते यानी आप जैसे मैंने आ, कहा कि एक तो यूटिलिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल एक शू है मार्केट के अंदर इट इज़ एक्सपेंसिव बट उसने मेडिकेशन के अंदर क्या किया कि मेडिकेशनल पॉइंट भी लिए डायनामिक भी लिए आम तौर पर मेडिकेटेड जो जूते होते हैं या जॉगर्स होते हैं या मुख्त टाइप्स के आपके होते हैं वो शक्ल में अच्छे नहीं होते आप उनकी शेप अच्छी नहीं होती यानी सूट्स में आप जो है ऑक्सफोर्ड पहनना चाहते हैं या अगर आप मोकेशंस पहनना चाहते हैं या जॉगर्स में आप कुछ और डिज़ाइन पहनना चाहते हैं तो मेडिकेटेड जूते जो हैं वो ज़रा ऑर्ड शेप के होते हैं उनको ज़रा इंटरटेनिंग भी करने के लिए ये जब आप उन्होंने डाला तो वो मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर कर आप आप उसकी प्राइस मैटर नहीं करती वो एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन ऑब्बियसली जब वो छः सात साल चलेगा भी और आपके कंफर्ट भी देगा आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है तो अब ये जो फैक्टर्स और वेरिएबल्स हैं जब बढ़ गए तो ये इनोवेशन ले आए तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी आइडिया के अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर वेदर इट इज़ एनीथिंग आप चावल बना रहे हैं और चावल के अंदर प्रोडक्ट्स uh, की ब्रांडिंग में कुछ और कर रहे हैं उसकी टेक्निक्स में डिफरेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन टेक्निक्स में बेहतर कर रहे हैं कितनी कंजम्पशन होगी कैसे लेकर आना है और मार्केट में किस तरीके से जाना है ये सारे मैकेनिज्म आते हैं बट इंपोर्टेंट थिंग इज हाउ वी अंडरस्टैंड एंड हाउ वी क्रिएट द बिटवीन द ग्रोथ एंड इनोवेशन शम्पीटर लॉन्ग रन ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम इनोवेशन इनोवेशन रिजल्ट फ्रॉम आंटरियल इन्वेस्टमेंट दैट आर सेल्फ मोटिवेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोनोपोली रेंट एंड न्यू इनोवेशन रिप्लेस ओल्ड टेक्नोलॉजी मैं मुसल ये बात करता रहा अच्छा अब अगर आप देखें तो मनोपली चंपी ज्यादा देखेंप्रन का मतलब यह एक मनोपली को तोड़ना एक मार्केट में नई चीज को लेकर आना एक जमी हुई चीज फॉर एग्जाम्पल सौ साल से फ्रीज चीज और एक मार्केट के अंदर एक आदमी का यानी सारे रिसोर्सिस उसके होंगे रॉ मटेरियल के सारे सप्लायर्स उसके होंगे मैक्सिमम uh, मार्केट का जितना शेयर है वो उसके पास जा रहा होगा इनोवेटर जब जाएगा तो उन सारी चीज़ों को उसको डील करना पड़ेगा यानी पूरी सप्लाई चेन चाहे वो सप्लायर्स हों आपके वेयर हाउस हों आपका रॉ मटेरियल हो आपके ह्यूमन रिसोर्स हो आपका लेबर हो लेबर की प्राइस हो आपका वेज रेट हो, हो, हो आपकी प्रोडक्शन हो आपकी प्रोडक्शन टेक्निक्स हो आपकी वेस्टेज को बचाना कैसे हैं आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा और फाइनल डिजाइन कैसे होगा और इन सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके बेटर रिजल्ट जब देंगे तो मार्केट पूरी की पूरी जो है वो एबसेंट ऑफ चेंज को महसूस नहीं करेगी बल्कि चेंज रिजिस्ट करने के बजाय एक अपनी स्पेस क्रिएट करेगा जो अपनी स्पेस क्रिएट करेगा इसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं थैंक यू वेरी मच